أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بابا دیو بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ زاریات سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے سنت الہیہ ہے روایات کبریائی میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ذات واجب نے جب کبھی نگاہ بے نگاہی سے اپنے حبیب کی جبین وحدت مکین پہ تھکن یا سوچ کی شکن دیکھی تو اللہ نے گزرے ہوئے کسی وقت کا قصہ چھیڑ کر اپنے حبیب کا دل بہلایا ایسا ہی ایک دن ایسا ہی ایک لمحہ سوچ میں گم ہے رسالت بے دل ہو کر بھی دل میں اس کی محبت بسائے رہتا ہے دیکھا بے دل کا دل مچلا فوراً گفتگو شروع کی حل عطا کا حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمین میرے حبیب کیا آپ تک ابراہیم کے عزت دار مہمانوں والی کہانی پہنچی پہلی بات گھبراہٹ یا تھکن تو نہیں ہے آیات الہی کا قرض زندگی کی آخری سانس تک نہیں اتارا جا سکتا 1400 سال ہو گئے ہر آیت کی تفسیر لکھی بھی جا رہی ہے پڑھی بھی جا رہی ہے لیکن جب 12th آئے گا پھر پتا چلے گا کہ ہم تو قرآن کا حرف بھی نہیں جانتے تھے یعنی ہمارا علم بڑا تیر مارا ہم نے تو ہم نے قرآن کے 70 ظاہر 70 باطن ڈھونڈے یعنی ایک آیت کی 140 تفسیریں لیکن جس پر قرآن اترا وہ بول کے گیا تھا ما من حرف من حروف القرآن الا ولہ 70 الف معنی فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف کے 70,000 معنی ہیں وہ اس کا 11th بیٹا ہی آ کے بتائے گا کہ کیا ہے بہرحال جو قرض مجھ پہ ہے میں اسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں حل عطا کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین کیا آپ تک ابراہیم کے معزز محترم مکرم مہمانوں کی داستان پہنچی نہیں میرا سوال ہے کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ رسول تک یہ داستان پہنچی یا نہیں پہنچی سمجھ میں آگئی بات کیا خدا نہیں جانتا تھا جانتا تھا نا پھر کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ تک یہ کہانی پہنچی معلوم ہوتا ہے ہر سوال بے علمی کے سبب نہیں مصلحت کے سبب ہوتا ہے جو
तो जो इसकी मशीयत के बदन हैं वो भी अगर कोई सवाल करे तो ये बकवास कोई ना करे कि जानते नहीं इसलिए पूछा, बिल्कुल सुन्नत इलाहिया की रविश पे अमल करते हुए पूछा। क्या पहुंची आप तक कहानी? ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन साहिब इकराम मेहमान थे कौन? मुल्तान वालों चंद फरिश्ते। इस दखलू अलैह इब्राहिम के घर दाखिल हुए, फ़कालू सलामन काला सलामन। इसमें भी बड़ी लतीफ बहस है जिसे मैं आज नहीं छेड़ना चाहता। आमिल एक ही है, एक जगह मंसूब है सलाम, एक जगह मरफू है। हाँ, ये बहस किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। उन्होंने इब्राहिम पर सलाम किया, इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया। कौमन मुनकरून अनजाने मेहमान है। फरागा तबीयत में उजरा तो कुरान मंगा लो। फरागा इला अहलेही फज्जाओ अब इजलिन समीन, मेहमानों की नजर बचा के घर गए। मोटा ताजा बछड़ा जिबा किया, भूना, मेहमानों के आगे रखा। फकर्रबहु इलैहिम काला आला ताकुलू, बछड़ा वैसे का वैसा पड़ा रहा। दो जगह जिक्र है इस मेहमानी का, सूरह हूद में भी सूरह ज़ारियात में भी। सूरह हूद में फरमाया फलम्मा राओ अयदियहुम लाओ तसलो इलैह, देखा कि मेहमानों के हाथ तो खाने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, परेशान हो गए। अला ताकुलून, तनावल क्यों नहीं कर रहे हो? खाना पसंद नहीं? शायाने शान नहीं? नहीं, मैं कहे जा रहा हूं, अल्लाह जाने किसके सर से गुजरती जा रही है मेरी बात और किसके सहने दिल में उतर रही है। पढ़ आए तेरा हूं सूरह हूद सूरह ज़ारियात, कुरान के नुजूल में मेरा मशवरा कोई शामिल नहीं। ये दोनों सूरतों का मुताला बता रहा है कि इब्राहिम ने फरिश्तों को पहचाना नहीं है। क्योंकि अगर पहचानते तो इब्राहिम से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि फरिश्तों को भूख नहीं लगती, फरिश्ते खाने के मोहताज नहीं। क्यों एक बछड़े की जान लेते? क्यों उसे भूनने की तकलीफ गवारा करते? ये सारा एहतमाम, ये सवाल और जवाब, ये पूछना अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे? मालूम होता है नहीं पहचाना। क्यों? उस वक्त पैकारे बशर में थे। अब मेरे सामने भी जो जो है कले बशर में बैठा है, सर उठाए, मेरी आंखों में आंखें डाले। फरिश्ते जो नूरे मोहम्मदी का करोड़वां जुज है, वो लिबासे बशर में आए तो शजरतुल अंबिया नहीं पहचानता। मोहम्मद लिबासे बशर में आए तो दो टके का मुल्ला कैसे पहचान गया है? जीते रहो। हाँ, सिर्फ लिबासे बशर में थे, इब्राहिम नहीं पहचान सके जब तक के खुद तारफ नहीं करवाया। इन्ना उर्सलना इला कौम लूत, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। अच्छा अच्छा, तुम फरिश्ते हो? यानी नूर जब पैकारे बशर में आ जाए, जब तक खुद ना बताए तो उस वक्त तक पहचान मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये जुमले आपने समझ लिए? अच्छा, खाया क्यों नहीं? सामने की बात है, ये कोई अकलीदस का मसला नहीं कि आप सोच में पड़ जाएं। भाई इसलिए कि हाजत ही नहीं, हम नूरी फरिश्ते हैं, हमें भूख ही नहीं लगती, हमें खाने की एहतियाज ही नहीं, तो कैसे खाएं? अगर मेरे सामीन ताज़ा दम हैं और मेरे साथ थोड़ा सा रूहानी सफ़र कर सकते हैं तो मेरी उंगली पकड़िए, ज़रा आसमान तक चलें। मुझे फरिश्तों से एक सवाल करना है, तुम इब्राहिम के मेहमान बने
है, क्योंकि कुरान ने तुम्हें है हलाता का हदीस और ज़ैफ इब्राहिम, ज़ैफ मेहमान को कहते हैं, कुरान ने तुम्हें इब्राहिम का मेहमान कहा, वहां तुम मेहमान बने, इब्राहिम ने मर्जी से तुम्हें खाना दिया, तुमने यह कह के ठुकरा दिया कि हमें भूख नहीं, इसके बरक्स तुम मेरे मौला अली के मेहमान नहीं थे। घबराहट तो नहीं हो रही दोस्तों? इस मोहल्ले वाले थक तो नहीं गए? मेरे मौला ने इन्हें मेहमान नहीं बुलाया, मेहमान नहीं थे, और अली ने तुम्हें खाने की पेशकश नहीं की, इब्राहिम ने की, ठुकरा दिया, अली ने नहीं की, मांगा क्यों? सोचने वाली बात है ना, दावत फिक्र है ना, सोचने वाली बात है। इब्राहिम खाना दे रहे हैं, फरिश्ते लौटा रहे हैं, अली ने दिया नहीं, खुद सवाल कर रहे हैं। है? देखो, अगर कोई थका हुआ भी है तो मेरे सामने चेहरा थका हुआ लेके ना बैठे, वरना मुझे बहुत से दरवाजे फिर बंद करना पड़ जाएंगे और जो जाग रहे हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा। सर उठाना, इब्राहिम के मेहमान थे, अली के नहीं थे। इब्राहिम ने खाना पेश किया, अली ने नहीं किया। एक खिलाना चाहता है लेते नहीं। है? दूसरे से मिस्कीन बन बन के यतीम बन बन के, असीर बन बन के सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। कहा ना, मैंने मुल्तान वाले जब फरिश्तों से पूछा वजह क्या है, शजरतुल अंबिया के मेहमान हो, खाना सामने है, नहीं खाया, अली से 3 दिन मांगा, वजह क्या है? फरिश्तों ने कहा गजल फरहिजियान, न बक, इब्राहिम का अमल तेरे लिए वाजिब ना होता, न भूख हमें कल थी, न हाजत हमें आज है, अली के दरवाजे से रोटियां मांग कर तुम जैसे बे इल्मों को बताया है कि रिज्क मांगा कहां से जाता है। ऐसे ही है, जीते रहो, मेरी थकन उतर गई, जो मैंने पैगाम देना था दे दिया। अब जाऊं या रहूं, तो अब जो 2-4 जुमले नाफिला कहने हैं मुझे, पैगाम यही था जो तुमने वसूल कर लिया। कहा इब्राहिम से लेते तो वो तुम पे वाजिब ही ना होता, यहां बताना था कि मस्दर रिज्क कौन सा दरवाजा है, रिज्क मांगा कहां से जाता है। इसलिए अल्लाह अकबर, जागना जरा, दोनों वाक्य कुरान में हैं, इब्राहिम वाला भी कुरान में, फख्र इब्राहिम वाला भी कुरान में। ना सूरह ज़ारियात के वक्त में मौजूद था, न सूरह दहर के वक्त में हाजिर था, और कुरान का हल्फ ले लो मुझसे, मेरा कतई मशवरा नहीं है, मैंने अल्लाह से नहीं कहा कि ऐसे आयत भेज,
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. इस पर बड़ी पैसे कर चुका हूं मैं तुम्हारे शहर की धरती पर. हाँ, वो सारी दोहराने बैठ जाऊं तो फिर कई अशरे पढ़ने पड़ जाएंगे मुझे. और ये भी गालिबन मैंने तुम्हें बता रखा है, काना साइलुल अव्वल जिब्राइल वसानी मिकाइल वसालिसो इसराफील. पहले दिन का सवाली जिब्रील था, दूसरे दिन का मिकाइल था, तीसरे दिन का इसराफील था. कायनात के निजाम के तीन बड़े नाजिमों ने मुसलसल तीन दिन समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? जी जी, तीन फरिश्ते आए, निजाम खल्क वाला, निजाम रिज्क वाला, निजाम हयात वाला. इज़राइल नहीं आया क्योंकि मौत अली के सामने खड़ी हो सकती नहीं. पिछले महल्ले से नारा नहीं आ रहा, खैरियत है? जीते रहो, क्योंकि मौत सामना नहीं कर सकती ममीतुल मौत का. इसके तीन निजामों वाले बड़े फरिश्ते आए. जिब्रील ने अपने आप को मिस्कीन कहा, मिकाइल ने यतीम कहा, इसराफील ने असीर कहा. मैं हैरान होता हूँ कि मौलवी साहबान कुरान पढ़ते हैं, बस सिर्फ पढ़ते हैं. ये हदीसों में है भाई, रसूल फरमा गए हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत से लोग रब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत से कारी ऐसे जो कुरान पढ़ेंगे कुरान उन पे लानत करेगा. हल्क से नीचे उतरेगा ही नहीं. क्यों? सीने में कुरान हो और जहन्नम की आग जलाए, ये हो नहीं सकता. और अजी जी, और हल्क से कुरान क्यों नहीं उतरता? अल्लाह ने कुरान पर एक कदगन, एक पाबंदी, एक ड्यूटी, एक हुक्म आयद कर दिया है. अल कुरान मा अली वाली माल कुरान. मैंने कह दिया, तुम्हारे सरों से गुजर गया. भाई जब भी कोई कुरान की आयत की तिलावत करता है, आयत पहले दिल में झांक के देख लेती है खैबर शिकन रहता है या नहीं. इरादे जिब्रील ने कहा मैं मिस्कीन, और इस पर बड़ी बहसें हो चुकी, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता. जिन्हें याद है वो जहन में ताज़ा कर रहे हैं, वरना लुगत मौजूद हैं और कोई लुगत मेरा लिखा हुआ नहीं है. मिस्कीन मस्कनत से निकला है, इसके मानी है जिल्लत, आजजी, एहतियाज. यानी जो मुआशरे में सबसे ज्यादा जलील लगे वो मिस्कीन होता है, जो मुआशरे में सबसे ज्यादा आजिज नजर आए वो मिस्कीन होता है, जो मुआशरे में सबसे ज्यादा हाजतमंद हो वो मिस्कीन होता है. जिसके हाजमे से अली के फजाइल का हथौड़ा बर्दाश्त नहीं होता वो उठ जाए, चला जाए, वरना मैं चट्टान गिराने लगा हूं. आओ, कुरान मैंने पढ़ा, सवाल फरिश्तों से है, ओ इब्राहिम के सामने मुअज्जज कहलाने वालों, अली के दरवाजे पे जलील क्यों बन के आए हो? फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? हल अताओ का हदीस ज़ैफ इब्राहीम अल मुकरमीन, वहां मुकर्रम है.
यहाँ आजिज हैं, यहाँ जलील हैं, यहाँ हाजतमंद हैं, यहाँ मिस्कीन हैं। और अच्छा, अगर कुव्वत बर्दाश्त, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब पास हो गए,